नमस्कार साथियों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे मस्त होंगे साथियों केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है तो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे आवर्त सारणी को आवर्त सारणी में कितने समूह हैं कितने ग्रुप हैं इनको याद करने की ट्रिक्स क्या हैं कैसे इनको याद किया जाए आसानी से सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं तो साथियों शुरुआत करते हैं पेरियोडिक टेबल सीखने की आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब इसको ध्यान से देखिए इस पेरियोडिक टेबल को इसमें आपको दो तरह से कंडीशन दिख रही है एक तो ये जो कंडीशन है खड़े इसको वर्टिकल कहते हैं और ये हॉरीजेंटल पोजिशन है वर्टिकल और हॉरीजेंटल पोजिशन में जमा रखे हैं एलिमेंट्स को वर्टिकल पोजिशन और हॉरीजेंटल पोजिशन में इन एलिमेंट्स को क्या कर रखे जमा जमा रखे हैं तो इन एलिमेंट्स को अपन वर्टिकल पोजिशन में भी देखेंगे और होरिजेंटल पोजीशन में भी देखेंगे वर्टिकल एंड होरिजेंटल दोनों पोजीशन में अपन एलिमेंट्स को देखेंगे वर्टिकल पोजीशन में अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है समूह या ग्रुप कहा जाता है क्या कहा जाता है वर्टिकल कंडीशन में इस कंडीशन में क्या कहा जाता है ग्रुप कहा जाता है तो मैं ये कहूँ कि इस आवर्त सारणी में कितने ग्रुप हैं हिंदी में कहेंगे समूह तो कितने समूह हैं तो पहला समूह ये दूसरा ये तीसरा चौथा पांचवा, छठवा सातवा आठवा, नौवा दसवा, ग्यारहवा बारवा तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह कितने समूह दिख रहे हैं आपको अठारह समूह दिख रहे हैं यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन पर कितने कालम है आपके पास अठारह कालम है अठारह समूह है यहाँ पर क्लियर है मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पहले समूह में, तो में कौन कौन से एलिमेंट हैं तो पहले समूह में हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम एलिमेंट हैं अगर मैं कहूँ कि आपके पास दूसरे ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट हैं ये चीज़ याद रखनी आपको बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टानशियम बेरियम और रेडियम ये एलिमेंट दूसरे समूह में हैं अगर मैं कहूँ कि इस वाले तेरहवें समूह में कौन कौन से एलिमेंट हैं तो बोरान एल्यूमिनियम गेलियम इंडियम थेलियम और लास्ट में अनन ट्राइम है ये वाला एलिमेंट तो ये एलिमेंट्स हैं कौन से ग्रुप में तेरहवें समूह में ये चौदहवा समूह में ये एलिमेंट है पंद्रहवें समूह में ये एलिमेंट है सोलहवें में ये है सत्रहवें में ये है और अठारहवा में ये है ओके यहाँ तक क्लियर हो गया कितने समूह हैं आवर्त सारणी में अठारह समूह हैं या अठारह ग्रुप हैं एटीन ग्रुप हैं ठीक है थेके? अब इनको पहले समूह को फर्स्ट ए भी कहते हैं अब आपको ये चीज़ भी याद रखना कि पहले इसको जो क्या कहते हैं फर्स्ट ए भी कहते हैं पहले समूह या ग्रुप को दूसरे को सेकंड ए नाम से भी जाना जाता है तीसरे को फर्स्ट ए सेकंड ए फिर यहाँ पे इसको कहा थर्ड ए डायरेक्टर ध्यान रखना फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए तेरहवे को थर्ड ए भी कहते हैं इसको फोर्थ ए भी कहते हैं इसको फिफ्थ ए भी कहते हैं इसको सिक्स ए भी ए कहते हैं इसको सेवन्थ ए भी कहते हैं और इस अठार ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है शून्य ग्रुप भी कहा जाता है मेरे हिसाब से आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी ओके अब फर्स्ट ए फर्स्ट बी है ना सॉरी फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स ए सेवंथ ए इसको फर्स्ट बी कहते हैं इसको सेकंड बी थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी सिक्स बी सेवन्थ बी और इन सभी को कहा जाता है एट्थ ग्रुप में रखा गया है इनको एट्थ ग्रुप में रखा गया है मेरी बात सुनिएगा पहले को फर्स्ट ए भी कहते हैं दूसरे को सेकंड ए यहाँ पर तेरहवें को थर्ड ए चौदहवें को फोर्थ ए पंद्रह को फिफ्थ ए सोलहवें को सिक्स ए और सत्रहवें को सेवंथ ए और अठारह ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है ओके फिर यहाँ पर फर्स्ट बी यहाँ से शुरुआत हो रहा है फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी सिक्स बी सेवन्थ बी ये तो हो गया अपना परिचय किनका समूह में समूह में किन कौन से समूह में अगर मैं कहूं कि यहां पे थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं तो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट ये अगर मैं कहूं कि तेरहवें समूह के एलिमेंट्स कौन से हैं तो ये वाले एलिमेंट्स कौन से तेरवें समूह के एलिमेंट्स हैं तत्व हैं अगर मैं कहूं कि फिफ्थ ए समूह के तत्व कौन से हैं तो फिफ्थ ए समूह के तत्व ये हैं इसको पंद्रह ग्रुप के तत्व भी कहते हैं क्लियर है मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आया होगा चलिए अब बात करें ये कंडीशन में वर्टिकल पोजीशन में तो अपनों ने क्या देखिए ग्रुप या समूह अब यह वाली पोजिशन देखते हैं होरिजेंटल पोजिशन होरिजेंटल पोजिशन में जो हैं उनको क्या कहते हैं पेरियोड पेरियोड या क्या कह सकते हैं इनको आवर्त कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं आवर्त कहते हैं तो आवर्त सारणी मतलब पेरियोडिक टेबल आवर्त सारणी मतलब पेरियोडिक टेबल कितने पेरियोड हैं कितने आवर्त हैं तो आवर्त सारणी में कुल सात आवर्त हैं कितने आवर्ते हैं कुल सात आवर्त हैं है आपको सात आवर्त में पहला आवर्त ये मतलब इस पोजीशन में पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट है जब दूसरे आवर्त की आप बात करोगे तो दूसरे आवर्त में लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियान एलिमेंट है मतलब ये पूरी लाइन अगर ऐसे देखें तो ये दूसरे आवर्त में है अगर मैं कहूँ आपको कि तीसरे आवर्त में कौन से एलिमेंट हैं तो भैया यह यहाँ से शुरुआत करो आप सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरिन और आर्गन ये है समझ में आ रहा अगर मैं कहूँ कि चौथे आवर्त में कौन से एलिमेंट है तो चौथे आवर्त में ये सारे एलिमेंट चौथे आवर्त में आ जाएंगे मैं कहूँ कि पांचवें आवर्त में कौन से एलिमेंट है तो पांचवें आवर्त में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे छठवे आवर्त में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे सातवें आवर्त में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे मेरी बात समझ रहे हो आप अब इनको आठवां और आवर्त मत मान लेना आप कभी भी भूल कर इनको आठवां और नौवा मत मान लेना ये वाले जो एलिमेंट हैं जैसे कि इसके बाद यहाँ पर आता है लेंथेनम लेंथेनम बोलो तो एल ए एल ए यहाँ पर सिम्बल लिख सकते हो आप एल ए यहाँ पर आता है लेंथेनम लेंथेनम के बाद यहाँ लेंथेनम सत्तावन आता है ना तो ये सत्तावन अपने लेंथेनम यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ से शुरुआत करें अपन यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सीरियम से लेकर सीरियम अट्ठावन से लेकर ल्यूटेशियम इकोत्तर तक के चौदह तत्व तो कौन से आवर्त में इसी आवर्त में यहीं पर है सत्तावन से लेकर इकहत्तर वाले यहीं पर हैं लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक ही एलिमेंट दिखाया जाता है लेंथेनम ठीक है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह एफ ब्लैक एलिमेंट है लेंथेनम के बाद आने वाले इसी प्रकार से यहाँ पर आता है एक्टिनियम एक्टिनियम एटी नाइन एक्टीनियम एटी नाइन एक्टीनियम एटी नाइन जो है अपनों ने यहाँ पर लिख दिया इसको एटीनियम एक्टिनियम एटी नाइन इसके बाद में आने वाले चौदह तत्व उनको एक्टीनाइट से कहते हैं और ये कौन से आवर्त में आते हैं ये सातवें आवर्त में आते हैं ये वाले एलिमेंट ठीक है ये वाले एलिमेंट किस में आते हैं सातवें आवर्त में आते हैं और ये वाले एलिमेंट ये किस में आते हैं भैया छठवें आवर्त में आते हैं ठीक है छठवे मतलब आवर्त सात ही आप ये कभी मत सोचना बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सात तो ये हो गए ये आठवां और ये नौवा आवर्त हो गया नहीं भैया आवर्त कितने हैं सात आवर्त है सात से ज़्यादा आवर्त नहीं है क्लियर है आगे बढ़े तो ये सात आवर्त हैं अगर मैं कहूँ कि पहले आवर्त में कितने एलिमेंट्स हैं तो पहले आवर्त में सिर्फ आपको दो एलिमेंट मिलेंगे हाइड्रोजन और हीलियम अगर मैं कहूं कि आपके पास दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एलिमेंट है अगर मैं कहूं कि तीसरे आवर्त में कितने हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ मतलब दूसरे और तीसरे, तीसरे आवर्त में पहले आवर्त में कितने एलिमेंट है दो और ठीक है आवर्त में और दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने एलिमेंट है आपको आठ मिलेंगे अब ये कहूँ कि चौथे और पाँचवें आवर्त में चौथे और पाँचवें आवर्त में कितने एलिमेंट हैं तो आपको मिलेंगे अठारह अठारह एलिमेंट कितने मिलेंगे अठारह देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह एलिमेंट ओके पाँचवें आवर्त में भी आपको गिनोगे कि आप कितने तत्व मिलेंगे आपको अठारह तत्व मिलेंगे ठीक है अब बात करें कि छठवें और सातवें आवर्त छठवें और सातवें आवर्त इनमें आपको बत्तीस तत्व मिल जाएंगे कितने मिलेंगे बत्तीस क्योंकि अठारह तो ये हो गए 18 ये हो गए अट्ठारह और चौदह कितने होते बत्तीस फिर ये अट्ठारह ये हो गए 18 और ये चौदह कितने हो जाएंगे बत्तीस तो इनमें कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको बत्तीस बत्तीस तत्व मिलेंगे तो याद रहेगा पहले आवर्त में दो तत्व हैं दूसरे और तीसरे आवर्त में आठ आठ तत्व हैं चौथे और पांचवे आवर्त में अठारह अठारह तत्व है और छठवें और सातवें आवर्त में बत्तीस बत्तीस तत्व है हालांकि छठवें आवर्त की बत्तीस तत्व की बात करते हैं और सातवें आवर्त उस टाइम पर अपूर्ण था जिस टाइम पे ये मॉडर्न पेरिडिक टेबल कहते जब बनी थी इसमें आगे आने वाले एलिमेंट बाद में रखे गए हैं जैसे जैसे रिसर्च होती गई है और ये आगे आने वाले एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल नहीं है वो कृत्रिम एलिमेंट हैं जिनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है ठीक है मेरी बात समझे आप तो यहाँ पर कितने आवर्त हैं आवर्त सारणी में मैं बात करूँ यहाँ पर अट्ठारह इस सात तो आवर्त है और अट्ठारह क्या है इसमें समूह है इन अठारह समूहों को अलग अलग प्रकार से बताया गया है जैसे कि इसको फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए एक्स ए सेवंथ ए और इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं क्या कहते हैं जीरो ग्रुप भी कहते हैं ऐसे इस वाले को ग्यारहवें को फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी सिक्स बी सेवंथ बी और को इन तीनों जो ग्रुप हैं ये आठवां नौवा दसवां इनको रोमन में इस टाइप से जो लिखते हैं एट्थ ग्रुप में रखा गया है इन सभी को ओके okay? क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको बेटा जी ये ये वाली कंडीशन अब यहाँ पर इस पेरियोडिक टेबल में सिर्फ अपनों ने दे रखा है कि जो मेटल जो तत्व होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो एक तो मेटल होते हैं और एक नॉन मेटल होते हैं नॉन मेटल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नॉन मेटल होती है अलग अलग नेचर होता है और मेटल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेटल होती है ठीक है जैसे इन मेटल का बिहेवियर अलग होगा इनका अलग होगा इनका अलग होगा ये ट्रांजिशन है, मेटल्स हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं ये सभी जो है एक तरह से ये यहां से ये इनको ट्रांजिशन मेटल से कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं ट्रांजिशन मेटल आप जो है इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा आगे बढ़ते हैं इसका पूरा चीरफाड़ करते हैं अब मेरी बात सुनिएगा आप अब देखिए आप इस पेरियोडिक टेबल में दो चीजें दिख रही हैं एक तो ये जो बिल्कुल डार्क ग्रीन है ये वाले इनको क्या कहते हैं नॉन मेटल कहते हैं क्या कहते हैं नॉन मेटल और बाकी इनको क्या कहते हैं मेटल्स कहा जाता है ये बाकी सब जो है क्या है मेटल्स हैं ओके okay? बाकी सभी को क्या कहते हैं मेटल कहते हैं अब इनमें जो है मेटल नॉन मेटल ये बात हो गई अपने इसके अलावा इसको जो है अलग अलग मेटल्स में अलग अलग ये फर्स्ट इसको कहते हैं एल्कलाई मेटल मतलब शारी धातु इनको कहते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल क्या कहते हैं इनको ये दूसरा समूह है इनको कहते हैं एल्केलाई अर्थ मेटल शारी मर्दा धातुएं है ना देखिएगा आप इनको कहते हैं हम इनको इनको शारी मर्दा धातु एल्के अर्थ मेटल इनको कहते हैं एल्केलाई मेटल मतलब शारी धातु कहते हैं इनको ओके okay, यहाँ तक क्लियर हो गया अब इनको जो कहा जाता है इनको कहा जाता है लेंथेनाइट्स और इनको कहा जाता है एक्टेनाइट्स ये सारे एलिमेंट्स इनको क्या कहते हैं लेंथेनाइट्स कहते हैं इनको कहा जाता है एक्टेनाइट बाकी है ये मेटल में ये इन सभी को किया गया काउंट किस में मेटल में काउंट किया गया है और अगर मैं बात करूं कि सेमी मेटल से किसे कहते हैं तो ये जो है सेमी मेटल्स से हैं ये ये सेमी मेटल से में आते हैं ये ये इनको कहते हैं सेमी मेटर्स ये सेमी मेटर्स सी बाई चढ़ा दो इसको ये कहा कहे जाते हैं सेमी मेटर मतलब अर्ध धातु सेमी मेटर्स अर्ध धातु इनको अर्ध धातु कहा जाता है कि इनको ये एलिमेंट्स हैं ये बोरान सिलिकॉन जर्मेनियम ठीक है आर्सेनिक एंटीमनी टेल्यूरियम पोलोनियम इनको कहा जाता है क्या कहा जाता है अर्ध धातु कहा जाता है सेमी मेडल से कहा जाता है इनको कहा जाता है अक्री गेसे इनको क्या कहा जाता है हे तो नॉन मेटल में लेकिन इनको अलग से भी नाम दिया गया है क्या कहा जाता है इनको अक्री गेसे भी कहा जाता है अक्री गेसे और ये समूह सत्रा के तत्व हैं या सेवंत ए के हैं इनको कहा जाता है बेटा जी हेलोजन तत्व भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको हेलोजन भी कहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर समझ में आया होगा कि मेटल में अलग अलग टाइप्स हैं मेटल्स में इनको कहते हैं क्षारी धातुएं, एल्कलाई मेटल इनको कहते हैं क्यारी मृदा धातुएं, अंग्रेजी में एल्कलाई अर्थ मेटल इनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल ट्रांजिशन ट्रांजिशन मतलब संक्रमण धातुएं क्या कहा जाता है इनको संक्रमण धातुएं और इनको कहा जाता है नीचे वाले जो हैं इनको कहा जाता है अंत संक्रमण धातुएं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इनको कहा जाता है या ये वाला जो ग्रुप है उसको को चार भागों में डिवाइड किया गया है कितने भागों में चार एस ब्लैक एलिमेंट पी ब्लैक एलिमेंट डी ब्लैक एलिमेंट और एफ ब्लैक एलिमेंट अब मैं आपको बताता हूं एस ब्लैक एलिमेंट किसे कहते हैं तो पहला और दूसरा समूह है इसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है क्या कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट अगर मैं बात करूं ये वाले यहां से लेकर यहां तक इनको कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब यहां से तेरह से लेकर अठारह तक के ग्रुप ठीक है या थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स ए सेवंथ ए और जीरो ग्रुप को क्या कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है इनको कहा जाता है ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट एलिमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन बढ़ते ना एस में बढ़ते पी में बढ़ते डी में बढ़ते एफ में बढ़ते इस आधार पर इनको एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहा जाता है और यहाँ से यहाँ ये जो है इनको कहा जाता है बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब कुल मिला के पेरुडिक टेबल को चार भागों में डिवाइड किया गया है एस ब्लॉक एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे वाले हैं इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्लियर है मोटे मोटे तौर पर आपको चीजें समझ में आई होगी हमने डिस्कशन शुरू किया पेरियोडिक टेबल का पेरियोडिक टेबल को दो भागों में डिवाइड किया गया मेटल एंड नॉन मेटल मेटल एंड नॉन मेटल ओके अब इस पेरियोडिक टेबल में हमें कितने समूह दिखाई दिए जो वर्टिकल पोजिशन है अठारह समूह या ग्रुप दिखाई दिए और अगर होरिजेंटल पोजीशन की बात करें तो हमें अगर एलिमेंट को इस तरीके से देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इस आवर्त के एलिमेंट है अगर इस तरीके से देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट इस समूह का तत्व है अगर मैं कहूं कि ये कैल्शियम है कौन से समूह का तत्व है तो द्वितीय समूह का तत्व है या सेकंड ए समूह का तत्व है अगर मैं कहूँ कि कैल्शियम कौन से आवर्त का तत्व है तो कैल्शियम चौथे आवर्त का तत्व है कौन से आवर्तक का तत्व है चौथे आवर्तक का अगर बेटा मैं ये कहूं कि आपके पास कार्बन कौन से समूह का तत्व है तो फोर्थ ए और फोर्थ ए को चौदवा समूह भी कहते हैं अभी मैंने बताया और कौन से आवर्तक तत्व है तो कार्बन द्वितीय आवर्त का तत्व है कौन से आवर्तक का तत्व है द्वितीय आवर्त का तत्व है ओके क्लियर है यहां तक मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी आगे बढ़े कोई दिक्कत अब इनको याद करने की आपको ट्रिक्स बताता हूं क्या करना है इसको याद करना है पेरियोडिक टेबल को इसको याद कैसे किया जाए ओके चलिए शुरुआत करते हैं कैसे याद किया जाए तो हम अपनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से कैसे भी हम इसको याद कर सकते हैं अपना तरीका अपन अपना सकते हैं कि इस तरीके से हम याद करें शुरुआत करते हैं यहां से प्रथम समूह से इसको प्रथम समूह कहते हैं फर्स्ट है यहाँ प्रथम समूह तो यहां पे लिखिएगा आप याद करने के लिए हेलिना हेलिना की रब से फरियाद रब से फरियाद हेलिना की रब से फरियाद पहला ग्रुप याद करने के लिए ये ट्रिक है हेलिना की रब से फरियाद मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम ओके दूसरे ग्रुप को याद करने के लिए ट्रिक्स आप जल्दी से लिखिए दूसरे ग्रुप को याद करने के लिए बेटा मांगे कार और साथ में स्कूटर जो बंद हो चुका है स्कूटर बाप राजी बाप राजी इसको ऐसे याद किया बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टानशियम बेरियम और रेडियम है यहां पर ओके अगला जो ग्रुप है ये तेरवा ग्रुप है भैया बैंगन आलू बैंगन आलू गाजर इन थैली बैंगन आलू गाजर इन थैली बोरान एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम ओके okay. नेक्स्ट ये चौदह ग्रुप है इसको फोर्थ ए भी कहते हैं ठीक है ठीके? कहे शिव जी है ना शिव जी या सीता शिव जी शिवजी, सुनो प्रभु सुनो प्रभु ओके इसको ऐसे इनको तो याद करने की आवश्यकता नहीं है अलग से ग्रुप में यही इनकी स्टडी किया जाता है इसके बारे में स्टडी नहीं किया जाता है ठीक है इन एलिमेंट के बारे में स्टडी हम करते हैं जब ग्रुप स्टडी करते हैं तो इसमें नेपाल पाकिस्तान नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सब भिड़े आपस में भिड़ गए युद्ध चल गया इनके बीच नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिड़े है ना यहां बिकाओ नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ ऑक्सीजन ये लिखेंगे यहां पर ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम तो उससे टीपो क्या लिखोगे आप यहां पर उससे टीपो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोनियम पोलियम यहां पर नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और किस्मत उससे टीपो क्या लिखोगे यहां पर उससे उससे से टीपो याद करने की ट्रिक से उससे टीपो फिर कल बाहर आई फिर कल बाहर फिर कल बाहर आई आरती फिर कल बहार आई आरी आरती रही बारिश आई आरती फिर कल बारिश आई आरती यहां पर हेडन नेहरा आगर कर आगर कर जीरो रन जीरो रन ऐसे याद करने की ट्रिक्स है मतलब ये ट्रिक्स क्यों है कि हमें मालूम पड़े कि किसके बाद कौन सा एलिमेंट्स आ रहा जैसे हीलियम के बाद नियान फिर आर्गन फिर क्रिप्टान फिर जिनान फिर एडान तो हेड एंड अगर कर जीरो रन आउट ओके जीरो रन तो ये हो गई हमें नॉर्मल कंडीशन में इनको याद करने की ट्रिक्स ओके अब हम आगे बढ़ें हमें याद करना है इनको तो इनको याद करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिक्स ऐसे ठीक है स्केंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज़ आयरन कोबाल निकिल कापर जिंक इनको कैसे याद किया जाए तो इनके लिए ट्रिक्स है बेटा स्क्रू टी वी सी आर सी आर ठीक है मे फेको नी कुंज इसको टीवी सीआर सी आर में फेंको नी कुंज ओके ये सारी चीजें फेंक दो है ना साइंस टीचर वेरी क्रूर मन फेको नी क्यों जान जलाती हो कैसे भी अपन जो है याद कर सकते हैं ट्रिक्स है इसको ट्रिक्स की तरह ही लेना फिर यहां पर बात करें इसको द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं यहां से लेकर यहां तक अपने को याद करना ने इनको ऐसे याद किया इनको अपन ऐसे याद करेंगे इनको ऐसे याद नहीं करेंगे इनको ऐसे याद करेंगे चलो तो यारी जरा निभा है ना एटियम जिरकोनियम नियोबियम मोलिडेनम टेक्नीशियम रुथेनियम रोहोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम यारी जरा निभा मौत तक यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में आए रुकावट राह में आए राह में आए तो आग में कूद जा फिर इसको लेंथेनम से शुरुआत कर रहे हैं ना अपन लेंथेनम सत्तावन यहां पे बैठा हुआ है बेटा तो लेंथेनम से शुरुआत कर रहे हैं लेंथेनम से मरकरी अस्सी तक है ये लेंथेनम सत्तावन और हाफनियम बहत्तर से लेकर मरकरी अस्सी तक तो इसको कैसे याद करोगे इसको याद करने के लिए ट्रिक्स बता रहा हूं ला हफ्ता क्या ला हफ्ता ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी हो गया पूरा याद ला हफ्ता वरना उससे इधर पिटाई और होगी ओके लेंथेनम हाफनियम टेंटेनम टंगस्टन रेहनियम ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड और मरकरी है ये यहां पर यहां से शुरुआत करें एसी रफ है ना एक्टिनियम से शुरुआत कर रहे हैं तो एसी रफ डीबी इसको डीबी को डीबी बोला हमने डीबी सागर भाई डीबी सागर भाई हसो मत हसो मत दशरथ रंगा गया दशरथ रंगा गया ठीक है रंग दिया गया बाकी तो ये अनन बी एम अनन ट्राइएम अनन क्वाडियम अनन पेंटियम अनन हेक्जियम अनन सेप्टियम अनन ओक्टियम इनको अलग अलग जो आई प्रणाली है उनके आधार पर इनको लिखा गया है ओके यहाँ तक याद हो गया चलिए ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा में पड़े तो आग में कुछ जा। टीवी सीआर में फेंको निकुंज मजा आ रहा देखिए अगला इनको तो यहाँ लेंथेनम को तो यहाँ याद कर लिया अब यहाँ से याद कर रहे हैं अपन कहाँ से याद कर रहे हैं यहाँ से इस जगह से तो यहाँ सीरियम से शुरुआत करो आप तो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो क्या लिखेंगे सीरियम प्रोजमोडियम नियोडीनियम प्रोमिथियम समेरियम यूरोपियम गैडोलियम गेडोलिनियम टर्बियम डिस्प्रोसियम हॉलमियम इरबियम थलियम इट्रीबियम और ल्यूटेशियम लिखे चलो सीने पर नदियाँ सीने पर नदियाँ प्रेम की की प्रेम की समाई यूं ही गदगद यूं ही गदगद गद, तब दिल हुआ दिल हुआ अरे तुम अब लोटो अरे अब तुम लोटो याद हो गया होगा ये सेंटेंस इसलिए कि इन सारे एलिमेंट्स को याद करने का तरीका है ये चलिए आगे इनको याद करें थोड़े पापड़ थोड़े पापड़ यूं नापो थोड़े पापड़ यू नापो पुराने आम पुराने आम कम बिकेंगे थोड़े पापड़ यू नापो पुराने आम कम बिकेंगे कैफे पर कैफे पर ऐसे फरमाओ ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाए मैडम नाश्ता लाए कैफे पर ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाए थोड़े पापड़ यू नापो पुराने आम कम बिकेंगे कैफे पर ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाए तो ये पूरा ग्रुप याद रखना है आपको कुछ नहीं है ये जो शुरुआत करी अपनों ने थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम नेपचुनीियम प्लूटोनियम फिर अमरीशियम फिर क्यूरियम बर्केलियम कैलिफोर्नियम आइंस्टाइनियम फर्मियम मेंडेलमियम नोबेलियम और लास्ट वाला लोरेंशियम है तो साथियों हमने पेरियोडिक टेबल का आज के इस लेक्चर में सामान्य परिचय किया और पेरियोडिक टेबल को सीखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है क्यों होता है ज़रूरी क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेरियोडिक पेरियोडिक पेरियोडिसिटी से रिलेटेड होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है अधिकतर चैप्टर आवर्त सारणी से रिलेटेड है किसी चैप्टर का नाम है एस ब्लैक एलिमेंट तो हमें एस ब्लैक के बारे में पढ़ना किसी चैप्टर का, तो का नाम है पी ब्लैक एलिमेंट तो उनमें पी ब्लैक के बारे में पढ़ना किसी चैप्टर का नाम है डी ब्लैक एलिमेंट या एफ ब्लैक एलिमेंट डी एंड एफ ब्लैक एलिमेंट तो हमें डी ब्लैक और एफ ब्लैक पढ़ना पड़ता है तो ये वाला जो लेक्चर है ये वाला लेक्चर इलेवेंथ ट्वेल्थ बी एस सी जो भी स्टूडेंट जिनको पेरियोडिसिटी का नॉलेज लेना है कि कौन से ग्रुप हैं कितने पेरियड हैं कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है एस पी डी एफ ब्लॉक में इनको याद करने की क्या ट्रिक्स हैं ये सारी चीज़ें हमने एक ही साथ में एक ही लेक्चर में सभी कुछ सीख लिया है ओके साथियों तो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा शेयर कीजिएगा इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी को ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल पाए ओके okay, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद जय भारत